तयारा हादसे पर सिंध हुकूमत ने घटिया सियासत करने की कोशिश की, जिसे हम मुस्तरद करते हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में पीआईए का जो हाल हुआ सब जानते हैं। सियासत करनी है तो अपनी कारकर्दगी पर करो। विफाकी वजीर फैसल वाडा का जियाली सरकार को मशवरा, कहा वजीर आजम ने एक माह में तयारा हादसे की रिपोर्ट सामने लाने की हिदायत की है। इंसानी कोताही हुई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। सिंध हुकूमत की जानिब से राशन की तकसीम कहीं नजर नहीं आई। सूबाई हुकूमत 7 अरब रुपए की गंदम का हिसाब दे, एहतसाब के नारे पर आए थे और वो हम करेंगे। हम इनकी डिमांड्स को रिजेक्ट करते हैं, हम इनकी घटिया सियासत को रिजेक्ट करते हैं। हम इस साने के अंदर जो जो चीजें कह रहे हैं उनकी हर बात को कम्प्लीटली बाय फार रिजेक्ट करते हैं, और हम उनसे कहते हैं कि सियासत करनी है तो अपनी परफॉर्मेंस पे सियासत करो। 12 साल का 15 साल का जो हिसाब है सूबे का आपने लोगों को देना है। ये तो वायरस अभी आ गया है तो आपने नई कहानी शुरू कर दी है। शुगर माफिया के पीछे हम जाते हैं तो उसके पीछे आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते हैं। हम किसी का गिरेबान नहीं छोड़ेंगे, ना अपने का ना पराए का। ये तहकीकात जो है क्रैश की जिसके ऊपर ये सियासत कर रहे हैं, हम बड़ा कैटेगोरिकली आपको बता चुके हैं कि CASM जो है वही करेगी। ये शफाफ टीम है, PF के अंडर में ये चल रही है, उनकी मॉनिटरिंग में चल रही है, और इसमें कोई ह्यूमन एरर हुआ, कोई मैनेजमेंट का एरर हुआ, कोई ऐसा एरर अगर नजर आया उसमें किसी किस्म के लेवल का आदमी हो, किसी भी जमात से ताल्लुक रखता हो, किसी भी अपॉइंटमेंट से ताल्लुक रखा, कितना ही ताकतवर आदमी हो, उसे कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सूबे का जो हाल है वो हाल है, वो जो गंदम 7 अरब रुपए की या 5 अरब की चुराली है उसका हिसाब दे दे, कम से कम वो आटा तो लोगों को वापस कर दे।